ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि द्युतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 3 अनेक जन्म भजनात् अनेक जन्म भजनात् स्वविचारं चिकीर्षति स्वविचारं चिकीर्षति विचारेण विनष्टायां विचारेण विनष्टायां माययां शिष्यते स्वयं मायया माययां शिष्यते स्वयं यह नाटक दीप प्रकरण में अध्यारोप अपवाद के द्वारा जो निष्प्रपंच निर्गुण निराकार ब्रह्म है उनका ज्ञान हमें किया जाता है। हम तो अध्यारोप क्या है दर्शय, कल हमने देखा अपवाद क्या है। अब नहीं है, आप समझो अपवाद माने कि उनका अस्तित्व नहीं है। हम घड़े का अनुभव कर रहे हैं, घड़े का उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता यह उनका अनुभव उनको सत्य नहीं पूर्व सिद्ध करता। आप समझो तो ये ब्रह्म जो है निष्प्रपंच ब्रह्म है, नैष्कर्म्य ब्रह्म है। ब्रह्म में कोई कर्म भी नहीं है, कोई प्रपंच भी नहीं है, और इसीलिए माया मायाम विनष्टायाम विचारेण शिष्यते स्वयं। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है स्वविचारम चिकीर्षते, आत्म विचार ब्रह्म विचार की इच्छा करता है, और उसे माया जो विचारित विचार जनित ज्ञाने न, ये ब्रह्म की जो उपासना करते हैं उनके द्वारा, ब्रह्म का जो चिंतन करते हैं उनके द्वारा क्या होगा, मायायाम स्वस्याद्वय अद्वयादि आप दे मायायाम विनष्टायाम विचार से, ब्रह्म विचार से जब माया का विनाश हो जाता है तो जो शेष रहता है स्वयं शिष्यते, आप देखो आप ही स्वयं रह जाएंगे। आप आत्मा अनात्मा का अगर विवेक करेंगे तो आप है ही नहीं, देह आप नहीं है, इंद्रिय आप नहीं है, मन आप नहीं है, बुद्धि आप नहीं है, आप देखो अहंकार भी आप नहीं है। तो ये सबका अपवाद जब करते रहते हैं जो बाकी रह जाता है,
हाँ दो एक लिखना है, दो तो अपवाद करते जाए बाकी रहेगा वो आप है स्वयं शिष्य। देखो आप एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही है, बाकी सब सब है, उनका अपवाद हो जाएगा, वो बाधित हो जाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जब अपवाद करते हैं स्वयं अद्वय आनंद पूर्ण परमात्मा ये अवशिष्य थे, आप जो पूर्ण आनंद स्वरूप है जो परमात्मा है वही बाकी रह जाता है, तो वो क्या है स्वरूप क्या है। ननु तद ब्रह्मा हमिति ज्ञात्वा सर्व बंधे प्रमुच्यते, कैवल्य उपनिषद में कहते हैं इस प्रकार से अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप जब जानते हैं ज्ञात्वा जानने से सर्व सर्व बंधे ही सर्व प्रकार के बंधन से उनकी मुक्ति हो जाती है। इत्यादि श्रुति भी बंध निवृत्ति लक्षण से मोक्षस्य ज्ञान फलत्व अभिधानात्, ज्ञान फलत्व मोक्षस्य, मोक्ष के लिए ज्ञान के द्वारा वो फलित होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी बंधन है सब बंधन की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा होती है। आप देखो इति अभिधानात् परमात्मा विशेष विशेषस्य तत्फलित अभिसंधान अनुपपन्नम, लेकिन ये परमात्मा एक अद्वितीय परमात्मा जो है वो परमात्मा का चिंतन हमें विचार हमें करना है। ब्रह्म विचार से ही ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आप देखो क्योंकि ब्रह्म ब्रह्मास्मिति, आप देखो जो वाक्य है कैवल्य उपनिषद का जो वाक्य है ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्व बंधे प्रमुच्यते, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान के ही सर्व प्रकार के बंधन से उनकी मुक्ति हो जाती, मुच्यते। आप देखो तो सर्व प्रकार के बंधन की निवृत्ति से मोक्ष, आप देखो निवृत्ति के कारण ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप कह रहे हैं स्वयं अवशिष्य स्वयं शिष्य थे, आप कहते हो एक अद्वितीय मात्रा रह, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र रह जाता है, और शास्त्र तो कहते हैं ब्रह्म मैं हूं ये ज्ञान से ही फलित होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुच्यते कहते हैं, कहते स्वयं अवशिष्य दे आत्मा स्वयं बाकी रहता है, ता नहीं है। तो बोले कि ये दोनों एक ही है। आगे के श्लोक में कहते हैं अद्वयानंद रूपस्य अद्वयानंद रूपस्य सद्वयत्वं च दुखिता सद्वयत्वं च दुखिता बंध प्रोक्त स्वरूपेण बंध प्रोक्त स्वरूपेण स्थिति मुक्तिरितीर्यते स्थितिर्मुक्तिरितीर्यते तीर्यते। बोले बंधन और मोक्ष किसको कहते हैं पहले वो समझ लो। तो कहते हैं अद्वयानंद रूप से सद्वयतम च दुखिता बंध प्रोक्त है, जो एक अद्वितीय पूर्ण आत्मा स्वरूप है उनको सद्वय मानना दो बना देना। आप देखो अनेकता के दर्शन करते हैं ना, आप देखो मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह नाना एव पश्यति, जो अनेकता का दर्शन करता है जो द्वैत का दर्शन करता है उनको मृत्यु की प्राप्ति होती है। आप देखो वही तो बंधन है ना, दुखिता प्रोक्त बंध। आप देखो द्वैत का दर्शन करना द्वैत को सत्य मानना वही तो दुख का कारण है और वही बंधन, उसी को ही शास्त्र बंधन कहते हैं। तो बोले मोक्ष क्या है, स्वरूपेण स्थिति ही मुक्ति ही तीर्यते, अपने स्वरूप में स्थित होना है ना। आत्मा अवशिष्यते जब कहते हैं स्वयं शिष्यते जब कहते हैं माने कि आपके स्वरूप में आपकी स्थिति हो जाती है, जब आपके स्वरूप में आपकी स्थिति होती है तो उसी को शास्त्र मोक्ष कहते हैं। आप समझो
अपने स्वरूप में स्थिति होना मुक्ति ही रियते। बंधन माने की द्वैत को सत्य मानना है, उसी से सुखी दुखी होना है। दुखिता मात्र नहीं है, सुखी भी है। संसार में सुख देखना, विषय में सुख दर्शन करना, पति पत्नी गृह में सुख का दर्शन करना, वो भी तो बंधन है ना। दुख का दर्शन ही बंधन नहीं है, आप समझो ठीक से। द्वेष मात्र या दोष मात्र बंधन नहीं है, राग भी बंधन है। इसीलिए भगवान गीता में कहते सन्यासी किसको कहते हैं, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप देखो जो राग भी नहीं करता है, जो द्वेष भी नहीं है। आप देखो विहाय कामान्य सर्वान पुमां शरति निस्पृहः। आप देखो सर्व प्रकार की कामनाओं का, आप देखो तो कामना दो प्रकार से प्रकट होती रही है, हो रही है, राग और द्वेष। आप देखो तो वही तो बंधन है ना। राग द्वेष की पूर्ति के द्वारा मैं सुखी हो जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं, ये जो निर्णय है आपका, निश्चय जो है ना, दुखिता। आप देखो बंध प्रोक्त है, द्वैत दर्शन से सुखी दुखी होना, वही तो हम सुखी दुखी होते रहते हैं। एक अद्वितीय आप देखो स्वरूपेण स्थिति ही मुक्ति ही हो जाइए। स्वरूप में स्थिति नहीं है और स्वरूप से जो अन्य अनात्मा है उसमें आपने स्थिति करके रखी है, वो आपके बंधन का कारण है। और इसीलिए कहते हैं आत्मा शिष्य थे, जब हम कहते हैं तो माने कि द्वैत है ही नहीं। एकमेव द्वितीयम, आप समझ, तो द्वैत में स्थिति है वो बंधन है, संसार है। अद्वैत में जो स्थिति है वो मोक्ष है। आप उसमें विरोधाभास कहां हो गए जब ये सब अब सर्व उपनिषद एक एक समान बात करती है। आप समझो अन्योंतरात्मा अन्नमय, अन्योंतरात्मा प्राणमय, अन्योंतरात्मा मनोमय, एक एक का हम निषेध करते जाते हैं और उससे भी सूक्ष्म, उससे भी अंतर, अंतर माने आत्मा के समीप। प्राणमय नहीं ब्रह्म है, नहीं प्राणमय भी नहीं है, मनोमय मन है ब्रह्म, बुद्धि विज्ञानमय है, विज्ञानमय आत्मा है, अन्योंतर आत्मा आनंदमय है। ओह आनंदमय आत्मा है, क्यों? क्योंकि उनके उनके बाद अन्योंतर आत्मा नहीं कहा है, तो बोले ये आनंदमय आत्मा है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये आनंदमय है, उनकी प्रतिष्ठा जो है, उनके सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला जो है वो तो ब्रह्म है, वो ब्रह्म अवशेष है, आनंदमय अवशेष नहीं है। आप समझे, क्योंकि ब्रह्म उनका अधिष्ठान है। तो जो बाकी रहेगा, स्वामी जी भी बाकी शब्द का ही प्रयोग करते थे अंग्रेजी में, शेष जो रहेगा वो ब्रह्म मात्र जो आपका आत्मा है। तो आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जान लेना, वही तो मुक्ति है। आप देखो तो ज्ञान और मोक्ष दो नहीं है, पहले ज्ञान होगा बाद में मोक्ष होगा, नहीं है, ज्ञान ही मोक्ष है। आप समझो, और इसलिए कई बोले उपनिषद में ज्ञात्वा सर्व बंधे ही प्रमुच्यते। आप देखो अपने एक अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान होना, स्वरूप स्थिति ही, देखो इसलिए श्लोक में क्या कह रहे, स्वरूप स्थिति ही, अपने स्वरूप में आप स्थित हो जाइए। जो आत्मा नहीं है, जो विकारी है, वो सब छोड़ दो। आप सब, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, हमारी बुद्धि उसी में घूमती रहती है। 60-70 वर्ष के होते होने पर भी वो बुद्धि तो वहीं की वहीं रहती है, अर्थ और काम में ही बुद्धि भटकती रहती है, उससे ऊपर उठती ही नहीं है। आप सब, क्योंकि राग द्वेष इतने महान है, राग द्वेष इतने दृढ़ है कि उनकी बुद्धि को संसार चिंतन से अन्य जाने ही नहीं देती। आप देखो ये वाक्य देखो, स्वरूप स्थिति मुक्ति ही तीर्यते,
अपने स्वरूप में स्थित, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। अब सुन, देहात्म बुद्धि करके बैठे हैं, अपने आप में देहादि का अध्यारोप करके बैठे हैं, वो बंधन का कारण है। अब जब अध्यारोप का अपवाद हो जाएगा, अब देखो भगवान भी वही कह रहे हैं गीता में, नायम हंति न अन्य देह, आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, देहिनोस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जो शिशु अवस्था है, युवा अवस्था जो है, वृद्धा अवस्था, वो देह की है, आपकी नहीं है। जो हो रहा है वो देह को हो रहा है, आप साक्षी चैतन्य है, आप कूटस्थ एक अद्वितीय असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा। और इसलिए कहते हैं कि द्वैत का दर्शन करना, द्वैत में सुखी दुखी होना, वो संसार है। एक अद्वितीय आत्म तत्व को ब्रह्म स्वरूप जान लेना, उन्हीं उसी में हमारी स्थिति होनी, वो मुक्ति है। आप देखो, तो बोले ये आप ऐसे क्यों कह रहे, विचारे न। अब देखो आगे कहा, विचारे न, ब्रह्म विचार से ही ये होगा। ननु कर्मणा एव हि संसिद्ध्यास्तिता जनकादयः। तो बोले आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, कर्मणा एव संसिद्ध्यास्तिता जनकादयः श्रुतेः मोक्षस्य सर्व कर्म साधनत्वात्। भगवान तो गीता में कर्म की बात कर रहे हैं, आप ज्ञान की बात, स्वरूप स्थिति की बात कर रहे हैं। इति किम अनेन विचार जनित ज्ञानेन इति, तो आप विचार जनित ज्ञान की बात क्यों कर रहे हो। भगवान भी कहते हैं कर्म के द्वारा ही उनको संसिद्धि प्राप्त हुई है, और उसी में उनकी आस्थिता, देखो स्थित आप देख रहे हैं, स्वरूप स्थिति ही मुक्ति ही, तो वो स्थिति शब्द वहां पर है, आस्थिता जनकादय है। आप देख, जनक आदि जो है वो इसी आत्मा कर्म में ही आस्थित हो गए थे। अब देखो, तो जनक आदि को कर्म के द्वारा ही ये संसिद्धि की प्राप्ति हुई है, तो मोक्ष का साधन जो है वो तो कर्म दर्शाया गीता में, तो आप क्यों कह रहे हो विचार जनित ज्ञाने न। तो उसका उत्तर अगले श्लोक में देते, अविचार कृतो बंधः, अविचार कृतो बंधः, विचारेण निवर्तते, विचारेण निवर्तते, तस्मा जीव परात्मा परात्मानो, तस्मा जीव परात्मानो, सर्वदेव विचारयेत, सर्वदेव विचारयेत। जब हम कहते हैं शेष, इंटरप्शन कर रहे हैं, तो स्वयं शिष्य थे आप जब कह रहे हैं, वो क्या है, अविचार बंध, हमारे दुख का कारण अविचार है, आप समझो संसार नहीं है। अविचार कृत बंध, विचार प्राग भाव उपलक्षित ज्ञान कृत बंधस्य, जो अविचार के द्वारा कारण क्या क्यों हुआ अविचार, अज्ञान कृतस्य बंधस्य, अज्ञान जन्य जो ये है उनके कारण, उनका अज्ञान जो है, अज्ञान के कारण क्या होता है, बंध है। तो अज्ञान कृत बंध विचारेण निवर्तते, अविचार कृत, तत्व का विचार हम नहीं करते हैं, आप समझो, इसलिए कहा आप पहले अपने और आ जाओ स्वविचारेण, हम अपने विचार करते ही नहीं है। स्वविचारम चिकीर्षति, तीसरे श्लोक में हमने देखा, स्वविचार करने की इच्छा करता है। अब देखो, आप ऐसा मत मानना
कि शास्त्र अध्ययन किया मानी स्व विचार वो कर रहा है, नहीं। शास्त्र चिंतन आवश्यक है, शास्त्र श्रवण भी आवश्यक है, प्रवचन भी आवश्यक है, लेकिन उतना करने मात्र से स्व विचार नहीं है, आप समझो ये। अगर कोई शास्त्र अध्ययन कर रहा है क्या उनका अर्थ हो गया वो स्व विचार कर रहा है? आप कॉलेज में जाइए, विश्वविद्यालय में जाइए, दर्शन शास्त्र का जो विभाग है अनेक प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, ब्रह्मसूत्र पर पीएचडी, प्रश्न उपनिषद पर पीएचडी, प्रकरण ग्रंथ पर पीएचडी। आप देखो, आप समझो, तो वो शास्त्र विचार कर रहे हैं, आप समझना ठीक से। शास्त्र विचार कर रहे लेकिन स्व विचार नहीं कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? स्व विचारम चिकीर्षति, स्व विचार की इच्छा हमें करनी है, हमारे और आना है। शास्त्र अध्ययन के बाद भी ये बहिर्मुखता रहती है। नरश्री इसलिए कहते थे आप माया को अगले द्वार से निकालेंगे वो पिछले द्वार से अंदर आ ही जाएगी। माया ऐसा विघ्न उत्पन्न करते हैं कि हम अपनी ओर आते आ सकते ही नहीं है। सकते हैं हम, आप देखो, आप समझे, इसीलिए भगवान कहते दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत, ये मेरी माया का जो चक्कर है ना, हमें द्वैत में ही रखती है, हमें सुखी दुखी करती रहती है, हमें बंधन में ही रखती है, क्योंकि स्व विचार नहीं है। आप अपना विचार करो, नहीं नहीं स्वामी जी स्व विचार करेंगे वो तो स्वार्थी लोग है। आप देखो कितने लोग हैं, अन्य लोग का, कितने लोगों का कल्याण करते हैं, इस प्रकार का हॉस्पिटल है, इस प्रकार का आश्रम है, इस प्रकार की सेवा है, इस प्रकार की सेवा संस्था है, आप देखो, इस प्रकार का अन्य क्षेत्र है, वो सब निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। आप स्व विचार की बात कर रहे हैं, स्व विचार करना तो क्या हो गया, स्वार्थ हो गया क्या? नहीं, इसलिए आज्ञावल्क मुनि कहते हैं न तो सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, ये वास्तविकता है। आप ऐसे देख रहे हो, ओहो हो उन लोगों ने कितने लोगों को मदद कर दी, सहायता कर दी, ये संस्था चला रहे वो संस्था चला रहे हैं, वो पाठशाला चला, तो आपको ये लगता है ना कि वो अन्य का विचार, वो अन्य का विचार नहीं कर रहे हैं, आप समझो, वो भी अपना ही विचार कर रहे हैं, मैंने इतना किया, आप देखो। लेकिन वो जो स्व विचार जो है वो स्व विचार किसका है? देहात्मादि, सब अपना ही विचार करते हैं। जब तक व्यक्ति हमारे लिए सुख का कारण है, शांति का कारण है, वो प्रिय है हम, जब वो हमारे दुख का विक्षेप का विचलन होना के कारण बन जाएगा हम उसको छोड़ देंगे। अब तो आप जो कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं? चाम जी इनके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक युवान, तो जो युवान थे बहुत उच्च बहुत सुंदर अध्ययन किया था और गोल्ड मेडलिस्ट थे, सुवर्ण पदक मिला था, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना एक व्यापार का आरंभ करूंगा और उनके लिए उनके अन्य व्यापारियों के साथ उनके मीटिंग थी। अब देखो ये समझना, अगर आप सोच रहे हो ना कि हाँ कितना निस्वार्थ भाव से ये कर रहे हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं
सर्वस्य कामाय सर्वम न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियं भवति। ये स्वार्थ नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है। सूट बूट पहन के टाई लगा सुंदर वस्त्र धारण करेंगे, वो घर से निकले, माता पिता को किया, भगवान का प्रणाम किया और निकले। अब वर्षा के दिन थे, रात को जोर से वर्षा हुई थी और इसके कारण रास्ते पर सब कीचड़ था। वो गाड़ी में गए, अपनी गाड़ी में। अब जहां जाना था मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए जहां जाना था, तो वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद अपनी गाड़ी रोड के एक मार्ग के एक और रख दी और वो वहां से निकले। अब जैसे ही वो वहां से निकले, उनके सामने की ओर एक वृद्धा थी, वृद्ध माता थी, वो भी वो लकड़ी पकड़ के चल रही थी और उनको चलने में कठिनाई होती थी। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ था ना, वो चिकना होता है। तब उसने देखा, लेकिन उनको जल्दी थी कहां अंदर जाने की। अब उनके सामने आप देखो, ये वो जो वृद्ध माता जी थी वो गिर गई कीचड़ में। अब कीचड़ में गिर गए तो आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। अब ये युवा ने सोचा, अगर मैं उनको बचाने जाऊं तो दो बात होगी। पहले तो मेरे इतने सुंदर जो कपड़े हैं वो सब कीचड़ वाले हो जाएंगे, दूसरा वो वृद्धा को वहां से मुझे कहीं और ले जाना पड़ेगा और उनके लिए मुझे समय चाहिए, तो मैं मेरी मुलाकात के लिए लेट हो जाऊंगा, देर से जाऊंगा। जो समय निश्चित किया उससे मैं देर से जाऊंगा, और जब देर से मैं गया तो मेरे कपड़े सब कीचड़ वाले होंगे। ये सोच के वो अंदर चला गया। अब वो गए, मीटिंग चल रही थी। अब देखो, किसी भी मनुष्य को ये होता है, अब उसे कॉन्शियंस कहते हैं। अब वो मीटिंग चल रही थी, लेकिन उनके मन में पीछे वो चलता रहता था, वो वृद्धा का क्या हुआ, कोई आया कि नहीं, मैंने आसपास देख लिया था कोई था नहीं, लेकिन मुझे देर हो रही थी इसलिए मैं निकल गया, वो वृद्धा क्या करती होगी। अब देखो, मन में पीछे ये चिंतन होता रहता है, और जैसे ही वो मकान से बाहर निकलेगा, पहली दृष्टि उनकी कहां पर जाएगी, आपकी भी कहां जाएगी अगर आपके साथ हुआ तो। वो माता जी वृद्धा स्थान पर गिरी थी उस पर पहली जाएगी। अब देखो, और जैसे देखा ही है, तुरंत मन में क्या भाव आएगा, अच्छा अच्छा हुआ किसी ने संभाल लिया। अब ये देखो, तो वृद्ध माता की सहायता जो हम करते हैं वो माता के लिए है कि अपने लिए है। उन्होंने नहीं की तो उनके मन में क्या था, अपराध बोध था, गिल्ट कहते हैं उसको। तो आप किसी को सहाय किस लिए कर रहे हैं कि अपराध बोध न हो आप में, तो आपने उनको सहाय उनके उनके सहाय करने के लिए आपने कुछ किया या आपके अपने आप के लिए किया। दूसरा एक दृष्टांत, जब युधिष्ठिर महाराज बन गए, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया,
बहुत सारा अन्याय हुआ था दुर्योधन के काल में, तो अनेक प्रजा से अनेक लोग आते थे न्याय के लिए, और अनेक प्रकार के लोग आते थे। तो एक बार एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास गए, और ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पिताजी का मृत्यु हुआ है और मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा ये थी कि चंदन की लकड़ी में ही मेरी चिता बनाए, लकड़ी से ही मेरी चिता बनाए। तो बोले कि मैंने बहुत खोज किया लेकिन मिले नहीं मुझे चंदन की लकड़ी, इतनी जितनी चाहिए मुझे उतनी चंदन की लकड़ी नहीं मिली है, और इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे चंदन की लकड़ी दे दो। अब युधिष्ठिर ने बोला सबको, बोले कि नहीं नहीं महाराज है ही नहीं चंदन की लकड़ी, जो भी पौधा लगाया हुआ अभी छोटे हैं। अब ये ब्राह्मण दुखी हो गए। तो जब वो बाहर निकल रहा था तो एक जो राज्यसभा में जो होते हैं उनमें से किसी ने धीरे से उनको बोल दिया, आप ऐसा करो वो कर्ण करके है एक, वो कर्ण के पास आप जाइए, वो आपको दे देंगे। अब वो तो गया कर्ण के पास और बोला मैं युधिष्ठिर के पास हुआ, अब आपके पास आया हूं, चंदन की लकड़ी चाहिए। जैसे ही सुना द्रोणाचार्य ने, अरे कर्क राजसेवक थे, राजसेवक को पूछा, बोला नहीं महाराज जी चंदन की लकड़ी नहीं है। तो बोला ठीक है, ये जो मेरे द्वार है, ये जो खिड़कियां है, ये सब चंदन की बनी हुई है, तोड़ दो उसको और उसके लकड़ी बना के ये ब्राह्मण के घर आप ले जाइए। अब देखो तो कर्ण ने अपने बड़े बड़े जो चंदन की लकड़ी से बने हुए जो द्वार थे वो तोड़ के ब्राह्मण को दे दिया। तो वो देने में हम ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण को सहाय की, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को सहाय नहीं किया। क्यों? मैं दानवीर हूं। आप देखो युधिष्ठिर नहीं दे सके, मैंने दिया, तो आप वो ब्राह्मण की, ब्राह्मण के सुख के लिए दिया था या अपने सुख के लिए कर्ण ने चंदन का दान किया? आप ऐसा मत मानना। स्वात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, ये वास्तविकता है। लेकिन जो स्वात्मा जो है वो स्वात्मा क्या है? देहात्मा। देह को ही हम आत्मा मान के चलते, इंद्रिय मन प्राण बुद्धि अहंकार सब जगह पर अहंता ममता करके बैठे हैं, और इसीलिए कोई स्वार्थी नहीं है। आप समझो चीन के सामने जब हम हार गए थे 68 में ये युद्ध हुआ था, और हमारे बहुत सारे सैनिक जो थे उनको अनेक प्रकार से घाव हुए थे, बहुत दुखी थे वो सब। उसको नेहरू थे हमारे बड़ा प्रधान, और उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो एक था, आप समझो, दूसरा वो सिलोन का था, और पूरा भारत ऑल इंडिया 1962 चाइना वॉर, हाँ 62 ना 68 सॉरी,
तो 62 में जब ये वॉर खत्म हो गए तो उस वक्त नेहरू ने लता मंगेशकर को बुलाया था और लता मंगेशकर ने एक गीत गाया था, ये मेरे वतन के लोगों, आप सब जानते ही हैं। अब वो गीत ऑल इंडिया रेडियो पर जब प्रसारित हुआ, मेरे ख्याल भी होगा ये, तो जब वो लोग पूरे भारत में ऑल इंडिया रेडियो पर सब लोग रोते थे, सबके आंख में पानी जल आ गया, अब देखो आंसू आ गए थे, नेहरू स्वयं रो पड़े थे, सबके आंख में अश्रु थे, ठीक से समझो। लेकिन जो लता मंगेशकर जब वो गाती थी और जब उनको समाचार मिला कि पूरा भारत रो पड़ा गीत सुन के, अब मुझे कहो गीत सुन के पूरा भारत रो पड़ा, वो जानने के बाद लता मंगेशकर रो पड़ेगी या उनके मन में एक प्रकार से आनंद की अनुभूति होगी? उनके मन में आनंद की अनुभूति होगी, क्यों? मैंने इतना सुंदर गाया कि सब लोग रो पड़े, समझ रहे? ऐसा कभी किसी को मत कहना आपके लिए मैं ये कर रहा हूं, आपके लिए मैं ये कर रही हूं, कभी नहीं, सब अपना ही विचार कर रहे। वेदांत स्व विचार करके स्वार्थी ऐसा नहीं है, संपूर्ण संसार ऐसा है, स्वात्मनस्तु काम है सर्वम प्रियम भवति, आप समझो। बाहर से हम देख बताते हैं हमने इतना किया, वो इसलिए आपने किया कि वो आपको आनंद दे रहा था। ये मेरे वतन के लोगों जो गीत गाया, वो गाने में लता मंगेशकर को आनंद आता था, माने कि अपने आनंद अपने सुख के लिए वो गाती थी। स्वामी जी हमेशा हमको कहते थे कभी ऐसा अभिमान मत करना कि मैंने इतना किया, इनके लिए मैंने इतना किया, हम करने वाले कौन है, आप समझो। और इसीलिए तत्व चिंतन करना, स्वविचार करना, ये कोई स्वार्थ नहीं है। वेदांत हमें स्वार्थी बनाते हैं, नहीं, अपना सोचो अपना स्वरूप क्या है, स्वरूप स्थिति ही मुक्ति ही तीर्यते, आप दैट वही तो आप चाहते हो। मैं सुखी हूं, सुखम मैं स्या दुखम मा भूत, ये मूलभूत सबकी इच्छा है, दुखम मा भूत, कभी भी मुझे दुख की प्राप्ति ना हो, मैं हमेशा सुखी रहूं, सुख की मुझे प्राप्ति हो जाए। लेकिन वो सुख शास्त्र कहते हैं, ये जो सुख आप जिसको कह रहे हैं वो प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, और आप जिसको दुख कह रहे हैं वो दुख है ही नहीं, क्यों? सुखी हो है ही नहीं, आप देखो घट का जन्म हो गया सुखी हो गई, घट का नाश हो गया नाश हो गया मैं दुखी हो गई, ऐसा नहीं। जगत से हमें कोई संबंध नहीं है, आप समझो, जगत हमें सुखी दुखी नहीं कर रहा है अविचारेण, आप देखो इसलिए कहते हमारा अविचार जो है वो हमें दुखी कर रहा है, आप समझो, अविचार कृतः बंध है, अपने स्वरूप का विचार हम नहीं कर रहे हैं, आपके स्वरूप का चिंतन आप करो, ये स्वार्थ नहीं है,
आप नित्य आनंद स्वरूप द्वयानंद रूप आप है, और इसीलिए स्व अविचारेण विचारेण निवर्तते अविचार कृत बंध है। अब अविचार के कारण बंध है, अब स्व विचार जब हम करेंगे तो वो बंधन से हमारी निवृत्ति, बंधन की निवर्तते, अब उससे हमारी निवृत्ति हो जाए। संपूर्ण संसार अविचार के कारण है। हम हमारे अपने बारे में सोचते ही नहीं है। स्व विचारेण, यह विचारेण लिखा है, यहां स्व हमें रखना है, स्व यहां जोड़ देना है। स्व विचारेण निवर्तते, जितना भी सुख दुख आप जगत में देख रहे हो अविचार कृत है, वही बंधन है। और जब स्व विचार हम करेंगे और एक बार अपने आप को जान लिया, मैं एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप हूं, और इसीलिए तस्मात इसलिए जीव परात्मानो सर्वदा एव विचारयेत, सदा सर्वदा जीव और परमात्मा का सदा सर्वदा आप चिंतन करो, उनके ऊपर विचार करो, मैं कौन हूं, संसार क्या है। गुजरात में छोटे बच्चों के लिए बहुत सुंदर गीत है, बाल गीत है, आजकल तो ये ट्विंकल ट्विंकल चल रहा है ना, लोगों को पागल बना के रख दिया है, ये क्या ट्विंकल ट्विंकल। तो लोग माता पिता भी ऐसे सोचते, हाँ मेरा बेटा तो बहुत अच्छा गाता है, बेटा गा तो ट्विंकल ट्विंकल। हमारे वक्त ये नहीं था, बहुत सुंदर भजन है, मने कहो ने परमेश्वर केवा हसे, क्या रहता हसे सू करता हसे, अब ये विचार है। शिशु अवस्था से ही हमें हमारे पुत्र हमारी पुत्री बालक को उसी विचार की ओर ले जाओ, स्व विचार की ओर ले, परमात्मा की ओर ले जाते हैं बच्चे को। देखो मुझे कहो आप परमात्मा कैसे कहां है, क्या करते हैं आप। अब वो बालक के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न करो, परमात्मा कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं आप, और उत्तर बहुत सुंदर देते हैं। अब ये जो गहन सागर है, गहन सागर में ज्वार और भाट जो करने वाले हैं वो ईश्वर है, वो जो उनके तरंग है, आप देखो तरंग उठाने वाले जो है वो ईश्वर है। सागर के मध्य में आप जाएंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े 25-25 फुट के बड़े बड़े तरंग उठते हैं वहां, तो वो अपने आप नहीं उठ सकते, आप समझो पानी में इस प्रकार के तरंग कैसे उत्पन्न होते हैं। तो बोले कि ये गहन सागर में जो तरंग बनाने वाले जो है, तरंग उछाड़ने तरंग उत्पन्न करने वाले जो वो ईश्वर है। आम्र के वृक्ष पर फूल बैठाने वाले वो ईश्वर है। अब ठंडी शुरू होगी, शीतकाल होता है ना, तो ये आम्र वृक्ष जो होता है ना, ब्लूमिंग होता है उसका, उसके ऊपर पुष्प आते हैं। तो बोले कि आम्र के वृक्ष में पुष्प किसने बनाए, ईश्वर ने बनाए, अब ये ईश्वर है, अब समझो। ये हमें जो विचार करना है, जीव और परमात्मानव, अब देखो जीव परमात्मानव, मैं कौन हूं, को हम कुतायात है, का मैं जननी को मैं तात है, आप अपने आप पर विचार करो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं,
कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है, स्वविचार, जीव रूप परमात्मा का चिंतन करो। ये जगत को देखते हो ना, इतना सुंदर ये जगत है, हम देख के गए द्वैत प्रकरण, ऐसे ही नहीं बन सकता। ये कोई प्राकृत अपने आप नहीं हुआ है, इसलिए बालक के मन में हम ये जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, ये परमात्मा कौन है, परमात्मा माने कि ये जगत की उत्पत्ति करना करने वाला कौन है, ये जगत का संचालन करने वाला कौन है। और इसलिए कहते हैं तस्मात् जीव परात्मानौ सर्वदा एव विचारयेत्, सदा सर्वदा ये चिंतन करो आप। मैं परमात्मा का चिंतन करना ये मनुष्य जीव का लक्ष्य है, आप समझो, सदा सर्वदा एव। देखो भगवान इसलिए पुनः पुनः में कहते एवं सतत युक्ता नाम भजता माम प्रीति पूर्वकम, सतत नित्य युक्त मच्चित्त मद्गत प्राण। ईश्वर आपका जीवन का लक्ष्य है, तो ईश्वर का चिंतन करो, परात्मा का चिंतन करो आप। जितना आप परमात्मा का चिंतन करेंगे उतना ही आपका दुख धीरे धीरे कम होता जाएगा। बाह्य जगत की प्रतिकूलता रहेगी, प्रतिकूलता वही की वही रहेगी, लेकिन अंदर जो दुख होता है ना, अंदर जो पीड़ा होती है, अंदर जो विक्षेप होता है ना, वो नहीं रहेगा। मैं दुखी हूं ना, वो नहीं रहेगा। मैं विक्षिप्त हूं, वो नहीं रहेगा। अब देखो, क्योंकि प्रतिकूलता तो सर्व के जीवन में है। कृष्ण भगवान ने भी जब कृष्ण रूप धारण किया, अवतार धारण किया, तो वहां पर भी क्या था, सुख था क्या? भगवान राम ने भी जब अवतार धारण किया तो वो सुख था क्या? नहीं। 14 वर्ष तक तपस्वी का जीवन जीते थे, हम 14 दिन भी नहीं कर सकते। आप सब, और इसलिए कहते हैं सर्वदा ये वो विचार है, ये सदा सर्वदा हमें ये आत्म तत्व का चिंतन करना है, स्वविचार करना है। ये स्वार्थ नहीं है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए कहते हैं स्वविचार है, क्यों? क्योंकि विचार से ही ये संसार की बंधन की निवृत्ति होती है, और विचार से ही ये बंधन है, और विचार के द्वारा, आत्म तत्व के विचार के द्वारा, परमात्मा तत्व के विचार के द्वारा, या आत्म तत्व, मैं कौन हूं, अब पूछो अपने आप को। अब देखो, ये शरीर नहीं था तब भी तो आप थे ना, शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे, तथा देहांतर प्राप्ति ही अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। अर्जुन, पहले सब अव्यक्त अवस्था में थे, अब व्यक्त हो गए, फिर वह पुनः अव्यक्त हो जाएंगे, का परिधे उनमें दुखी होने की क्या बात है। ये सृष्टि का नियम है, ये काल का चक्र चलता रहता है। देखिए, अगर आपने देह में अहम बुद्धि करके रखी है तो आप सुखी दुखी अवश्य होंगे, और इसीलिए स्वविचार के द्वारा ये देहात्मा, अपने आप में जो देहात्मा का अध्यारोप करके रखा है, उनकी हमें निवृत्ति विचार के द्वारा करनी है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजा परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिमहेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य देशो यंक्षोभर ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ओम।
नाम स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।